बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 39 क्या कहता है। अभी हमने बहुत सारे अनुच्छेद पढ़े थे, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बहुत लोगों ने आधा पढ़ा। आधा पढ़ना मतलब बहुत बड़ी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना, तो अपनी जिम्मेदारी को आधा मत पढ़ो, पढ़ना है तो पूरा पढ़ो। आधा पढ़ने से नुकसान क्या होता है बताते मित्रों। एक बार एक हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसने आधा हमारा वीडियो ही देखा था उसने। अब वीडियो था सेल्फ डिफेंस के बारे में, आर्टिकल 96 से जो हमारा टॉपिक था सेल्फ डिफेंस का, उसने आधा वीडियो देख के एक लड़के के सर में पत्थर मार दिया। लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, अपने बचाव के लिए सर पे पत्थर मार दिया। फिर क्या हुआ, खपड़ी फूट गई, खून निकलने लग गया, बाद में पुलिस वगैरह आई, केस वेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे उसको बंद कर दिया गया कोतवाली में। फिर उसको हवाई हमले पहुँचे, वहाँ छुड़वाया जाके उसको। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उसने हमारा आधा वीडियो देख के सेल्फ डिफेंस में सीटा मार दिया। लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर दिया हुआ है सेल्फ डिफेंस डिफेंस में क्या क्या कंडीशन होती हैं जिनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। सीधा ईंटा पत्थर नहीं मारना है ना। सेल्फ डिफेंस का फिर से एक वीडियो बना के देंगे आपको, आप लोग जरूर देखिएगा। अभी एक वीडियो पड़ा है उसे देखो, उससे भी अच्छा वीडियो बना के देंगे आपको। अभी हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 क्या है और किस प्रकार की बात करता है मित्रों। आर्टिकल 39 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। तो इससे पहले आर्टिकल 38 पढ़ा था लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के बारे में, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में दिया स्त्री या पुरुष को समान कार्य का समान वेतन। अब इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 39 जो है मित्रों, स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए सामान्य वेतन देने का प्रावधान करता है। अब अधिकतर जो सरकारी जॉब होती हैं वहाँ पे स्त्रियों से भी बराबर काम लिया जाता है, पुरुषों से भी बराबर काम लिया जाता है, तो उनको सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाता है। अब बात करते हैं स्त्री को हर सरकारी जॉब पे क्यों रखना चाहिए। स्त्री जो होगी वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकती, वो रिश्वत नहीं ले सकती। पुरुष रिश्वत ले सकता है, खुद सामने नहीं लेगा, किसी को इशारा कर देगा, जा उधर से पैसा ले लो जाके। स्त्रियाँ क्या करेंगी, स्त्रियों से तुम ऐसे ऐसे तो कहोगे नहीं चलो उधर चलते हैं, दो रपेट कान के नीचे लगाएगी। इधर का मतलब हमारा तो बहुत बुरा ही होता है ना, इधर चलते हैं ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि और रपेट भी लगाएगी और जेल भी हो जाएगी। तो स्त्री को कोई घूस नहीं दे सकता, इसीलिए यहाँ पर स्त्रियों को ज़्यादा वैधता दी गई है। और हमारा भी मानना है कि अधिक सरकारी पोस्ट पे स्त्रियों को सम्मान मिले। और यहाँ बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, स्त्री हो या पुरुष हो उसको सामान्य कार्य का समान वेतन दिया जाए, या अनुच्छेद 39 कहता है। फिर उसके आगे अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत सामान्य और समान विधिक निःशुल्क सहायता। स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, तो समान प्रकार सामान्य न्याय मिलना चाहिए, और जिस विधि के समक्ष जो विधि बनाई गई है संविधान में, उसी प्रकार से स्त्री पुरुष को समान सहायता मिलनी चाहिए। जैसे पेंटर्निटी लीव हो महिलाओं के लिए मिलती है और पुरुषों के लिए दूसरी लीव होती है ना, तो इन सबको सामान्य निःशुल्क सहायता दी जाए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए स्त्री हो या पुरुष हो। तो मित्रों आर्टिकल 39 यही कहता है, स्त्री एवं पुरुष में समान वेतन और समान भत्ता की योजना दी जाए, और सामान्य न्याय और विधिक निःशुल्क सहायता प्रदान की जाए। आर्टिकल 39 समझ में आया मित्रों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए अधिक से अधिक टॉप महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें। नमस्कार।